मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में नेताओं के बीच बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। वहीं ग्वालियर जिले की डबरा सीट से बीजेपी की पूर्व विधायक रही मंत्री इमरती देवी ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। ग्वालियर में सांसद खेल महाउत्सव में पहुंची इमरती देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी जिस एससी सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, मैं चुनाव लड़ लूंगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि महाराज सिंधिया ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ेंगे तो वह अपना टिकट वापस कर देंगी और लोकसभा चुनाव में अपने महाराज के लिए प्रचार करेंगी। वहीं हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने 10,000 कांग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने की बात कही। इमरती देवी ने कहा कि यदि सिंधिया चुनाव लड़ते हैं और मुझे पार्टी टिकट भी देती हैं तो मैं उसे लौटा दूंगी और महाराज के लिए काम करूंगी, क्योंकि हम तो उनके कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं, सिपाही हैं। ग्वालियर से संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। कांग्रेस के बीजेपी में जा रहे हैं ना, तो बीजेपी में तो दम है, कांग्रेस में कछु बचवन नहीं, तो फिर रंगे काहे को, तुम्हें बता दो रंगे काहे के लिए, रंगे कांग्रेस खत्म, बीजेपी बढ़ रही तो बीजेपी में आना चाहिए। अब तो कितने वो आ गए, 10,000 तो दतिया में मिल रहा है बेटी, महाराज चांद ने दतिया जाएंगे, 10,000 आदमी कांग्रेस में विरोध करेंगे कांग्रेस के हाथ में। ग्वालियर में तो रहती नहीं, मैं डबरा में रहता हूँ। जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैडम, कल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और तमाम जो नेता है वो ग्वालियर में लोकसभा चुनाव की बैठक लेने आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बैठक की क्या? मेरी आपसे एक ही बात का कहना है कि पहले तो एक सीट मिल गई थी, अब तो वही सीट नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश के पूरे सांसद भारतीय जनता पार्टी के होंगे। अच्छा, बीजेपी को सब मिलेंगी? बीजेपी को पूरी की पूरी सीटें मिलेंगी। आप तैयार हैं चुनाव के लिए? पार्टी कहेगी तो आप चुनाव लड़ेंगी? पार्टी कहेगी तो मैं तो चुनाव नेता ही तो कर ही रही, अगर पार्टी कहती तो चुनाव लड़ूंगी। महाराज महाराज जहाँ 80 सीट होगी, 57 सीट से कहीं से नहीं लड़ूंगी।